छत्तीसगढ़ में सितंबर का महीना सियासी पारे से गरमाया रहेगा। आने वाले दो दिनों में रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद, इन तीनों जिलों में बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक ओर जहां गृह मंत्री अमित शाह का 70 दिनों में ये चौथा छत्तीसगढ़ दौरा होगा, तो वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद इस साल दूसरी बार राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ राजनीति का अखाड़ा बनने वाला है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस इन दिनों छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को घेरने के लिए तगड़ी रणनीति बना ली है। एक ओर जहां बीजेपी सरकार को घेरने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का सहारा ले रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को मात देने के लिए कमर कस रखी है। बता दें, दो केंद्रीय मंत्रियों को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 31 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जहां वो अमित शाह के दौरे और कार्यक्रमों को लेकर रायपुर में बैठक लेंगे। इसके अलावा वो दुर्ग जिले के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं 1 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर बीजेपी की बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे और महासमुंद जिले के सरायपाली में जनजातीय समारोह में शामिल होंगे। इसमें उनकी महासमुंद जिले के 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट को साधने की कोशिश रहेगी। बात करें सरायपाली की, तो हाल ही में भाजपा की केंद्रीय कमेटी ने 90 में से 21 सीटों पर प्रत्याशियों का पहला लिस्ट जारी किया है, जिसमें महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा और सरायपाली विधानसभा शामिल हैं। खल्लारी विधानसभा से अलका चंद्राकर और सरायपाली विधानसभा से सरला कोसरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। अब गांडा समाज के भाजपा के ही लोग बीजेपी की तरफ से चुने गए उम्मीदवार सरला कोसरिया का विरोध कर रहे हैं। विरोध इतना कि सरायपाली विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी श्याम टांडी ने पार्टी से इस्तीफा तक दे डाला। वहीं सरायपाली नगर पालिका की पार्षद और ब्लॉक कार्यकारिणी में सदस्य रही भाजपा की राखी चौहान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये विरोध इसलिए है क्योंकि गांडा समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। बता दें, सरायपाली विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के लिए हो रहे इस विरोध से आने वाले चुनाव में सरायपाली विधानसभा में बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में अमित शाह का सरायपाली जाने का एक कारण ये भी हो सकता है। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का 70 दिनों में ये चौथा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। इसके पहले उन्होंने 22 जून को दुर्ग में एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया था। इसके पहले 12 दिन बाद 5 जुलाई और 22 जुलाई को रायपुर आए। अब करीब 40 दिन बाद फिर शाह आ रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के इस दौरे को चुनावी रणनीति के लहजे से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि रायपुर में राहुल गांधी की बड़ी सभा भी इसी दिन होनी है। एक ओर जहां बीजेपी आरोप पत्र जारी कर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी युवाओं को साधने के फिराक में है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस फिर से सरकार रिपीट करने के लिए एक्टिव मोड पर आ चुकी है, जिसके तहत पार्टी की नजर यूथ वोट बैंक पर है। राज्य में युवाओं के अंदर कांग्रेस नेताओं की भारी डिमांड के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। वहीं माना जा रहा है कि इस बार यूथ जिसके साथ होगा उसकी सत्ता का रास्ता साफ है। जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 48 लाख ऐसे यूथ वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। इनमें पहली बार वोट डालने वाले यूथ वोटर्स की संख्या लगभग 4,43,000 बताई जा रही है। ऐसे में दोनों ही दलों का ज्यादा फोकस यूथ पर है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी सितंबर के पहले हफ्ते में ही जारी होने वाला है। वहीं भाजपा के केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा भी छत्तीसगढ़ में लगेगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत इस महीने बेहद खास रहने वाली है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।